Personal Computer Division of Distress Limited, a computer hardware manufacturing company, has started facing financial difficulties for the last 2 to 3 years. Distress Limited एक कंपनी है. कौन सी कंपनी? कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक डिवीजन है पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन, और वो डिवीजन अब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है. अब बड़ी दिक्कत में आ चुका है. 2 से 3 साल पिछले इस तरह की प्रॉब्लम वो झेल रहा है. 3 साल हो चुके हैं. अब जो मैनेजमेंट ऑफ द डिवीजन हेडेड बाय मिस्टर स्मिथ इज़ इंटरेस्टेड इन अ बाय आउट ऑन 1 अप्रैल 2013. मैनेजमेंट बाय आउट है ये, कि मैनेजमेंट खुद खरीद ले रही है उस डिसीजन को. तो इस डिवीजन का जो मैनेजमेंट है उसका हेड कौन है? मिस्टर स्मिथ. और मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि ठीक है, कंपनी से अलग करते हैं इस डिवीजन को और हम खरीद लेते हैं इसको. मैनेजमेंट बाय आउट है ये, इस डिवीजन को हम खरीद लेंगे. हाउ एवर, टू मेक दिस बाय आउट सक्सेसफुल, देर इज एन अर्जेंट नीड टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट. सीधी सी बात है, अब ये अगर मैनेजमेंट को ये डिवीजन एक्वायर करना है तो पैसे देने पड़ेंगे एक्वायर करने के लिए, परचेस करने के लिए. तो इसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लाना बहुत ज़रूरी है. वेन कैप, अ यूरोपियन वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, हैज़ शोन इट्स इंटरेस्ट टू फाइनेंस द प्रपोज्ड बाय आउट. एक वेंचर कैपिटलिस्ट हमको मिला जो कि यूरोप का है और वो इंटरेस्टेड है कि इसको फाइनेंसिंग करने के लिए, वो हमको पैसा देने के लिए तैयार है कि आप खरीदो इस डिवीजन को, हम पैसा देते हैं. डिस्ट्रेस लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू सेल द डिवीजन फॉर ₹180 करोड़. अब मैनेजमेंट को खरीदना है, किससे? कंपनी से खरीदना है. तो डिस्ट्रेस लिमिटेड जो है वो 180 करोड़ में बेचना चाहता है मिस्टर स्मिथ को. और मिस्टर स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 85 करोड़ शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिवीजन वायबल. इस डिवीजन को वायबल बनाने के लिए 180 करोड़ में तो खरीद लेंगे लेकिन 85 करोड़ रुपीस और लगेंगे. ठीक है, द एक्सपेक्टेड फाइनेंसिंग पैटर्न. तो अब ये 180 और 85 यानी 265 करोड़ रुपए कहाँ से लाए जाएंगे, ये नीचे दिया हुआ है कहाँ कहाँ से लाए जाएंगे और कितने कितने लाए जाएंगे, ध्यान दो. मैनेजमेंट खुद कंट्रीब्यूट करेगी 60 करोड़ के इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स खरीद लेगी 60 करोड़ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करेंगी. वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वेन कैप, वो भी इक्विटी शेयर में कंट्रीब्यूट करेगा 22.5 करोड़ का. उसके अलावा वो 22.5 करोड़ के 9% डिबेंचर खरीदेगा कंपनी से यानी डिवीजन से, और लोन देगा 160 करोड़ का 8% के हिसाब से. तो इस तरह से 265 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ जाएंगे और कंपनी डिस्ट्रेस लिमिटेड से खरीद ली जाएगी. द वारंट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड. वारंट कहाँ है? 9% डिबेंचर विथ अटैच्ड वारंट. मतलब क्या हुआ कि इन डिबेंचर्स को आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. द वारंट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ फॉर 10 इक्विटी शेयर्स एट ₹120 पर शेयर. ये वारंट्स जो है यानी हर डिबेंचर आज से ठीक 4 साल बाद 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया जाएगा और हर इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी ₹120 पर शेयर. द लोन इज रीपेबल. अब लोन देखा आपने 8% का 160, वो रीपेबल है इन वन गो एट द एंड ऑफ 8th ईयर. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप पहले नहीं चुकाओगे, आप सिर्फ इंटरेस्ट चुकाओगे 8 साल तक, और 8वें साल में वो 160 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल का पेमेंट रीपेमेंट किया जाएगा. द डिबेंचर आर रीपेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स. तो अब डिबेंचर वाला पार्ट ऐसा है कि उसको इक्वली रिडीम करना है, रीपे करना है. तो हर साल की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल रहेगी जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड रहेगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. और वो कब तक रीपे करना है? 6 साल में रीपे करके ख़त्म करना है आपने. मिस्टर स्मिथ इज ऑफ द व्यू दैट द प्रपोज्ड डिविडेंड शॉल नॉट बी केप्ट मोर दैन 12.5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स. मिस्टर स्मिथ को लगता है कि पहले ये जो डिवीजन हम ले लेंगे तो अब डिवीजन में जब हम डिविडेंड बांटेंगे साल भर ऑपरेट करने के बाद, तो वो जो डिविडेंड है जितना भी प्रॉफिट आता है उसका 12.5% मैक्स टू मैक्स हमने डिविडेंड बांटना है, बाकी का कंपनी में रिटेन करके रखना है क्योंकि कंपनी हमको आगे चलानी है. तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटना है बेसिकली स्पीकिंग पहले 4 सालों में. द फोरकास्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर द प्रपोज्ड बाय आउट इज एज फॉलोज. आपको
बायआउट के बाद में आने वाले 4 सालों में कितनी कमाई होगी वो आपको दी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीज़ इन करोड़्स। अप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट शुड रिमेन अनचेंज्ड एटलीस्ट फॉर 5-6 ईयर्स। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वेन कैप, मिस्टर स्मिथ स्टेटेड दैट द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शॉल इंक्रीज बाई 20% ड्यूरिंग अबव 4 ईयर। सीधी सी बात है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में मिस्टर स्मिथ गए थे कि हमको पैसा दो, हमको ये डिवीजन खरीदना है, तो उन्होंने बताया कि ये डिवीजन खरीदने के बाद बुक वैल्यू हर साल 20% से बढ़ेगी ऊपर दिए हुए 4 सालों में। मतलब आने वाले 4 सालों में वो 20% से ज़्यादा, 20% की ग्रोथ होगी बुक वैल्यू में। ऑल दो वेनकैप हैज शोन देयर इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, भले ही वेनकैप वालों ने बोल दिया कि भाई हम आपको फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हैं, बट आर डाउटफुल अबाउट द प्रोजेक्शंस ऑफ ग्रोथ इन द वैल्यू एज पर प्रोजेक्शंस ऑफ मिस्टर स्मिथ। बट उनको डाउट डाउट आता है कि मिस्टर स्मिथ जो बोल रहे हैं ना 20% की ग्रोथ होगी या ऊपर दिए गए EBIT जो है आपको उतना होगा, उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा है अभी वेंचर कैपिटलिस्ट को। फर्दर वेनकैप ऑल्सो डिमांडेड दैट वॉरंट्स शुड बी कन्वर्टेबल इन 18 शेयर्स इंस्टेड ऑफ 10 एज प्रपोज बाय मिस्टर स्मिथ। हमने कहा था ना ऊपर में कि हर डिबेंचर को 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है सटीक 4 साल बाद, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट वाले बोलते हैं कि नहीं 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 हमको तो 18 शेयर चाहिए, 10 से हमारा क्या होएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% पर ईयर। अब आपकी बारी आती है, अब आप आए इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि जो मिस्टर स्मिथ बोल रहे हैं ना 20% से ग्रोथ होगी बुक वैल्यू में, ये आपको बताना है कि क्या सही में 20% से ग्रोथ हो रही है आने वाले 4 सालों में। फर्दर इफ यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय मिस्टर स्मिथ एज एडवाइजर, अगर आप मिस्टर स्मिथ द्वारा अपॉइंट किए गए हैं एज एन एडवाइजर, देन वेदर यू वुड सजेस्ट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ वेंचर कैप सॉरी वेन कैप ऑफ 18 शेयर्स इंस्टेड ऑफ 10 और नॉट। तो अब आपको मिस्टर स्मिथ ने एडवाइजर के रूप में हायर किया और अब आपको पूछ रहे हैं वो कि यार मैं ना डिबेंचर, एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर बोल रहा था, वेन कैप वाले मेरे पास में आए वो बोलते कि हमको 10 नहीं हमको 18 शेयर्स चाहिए। तो अब आपको बताना है कि क्या ये चीज मिस्टर स्मिथ ने एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली दो आंसर आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन में, पहला कि क्या 20% से बुक वैल्यू ग्रो हो रही है, दूसरा कि क्या 10 के बदले 18 शेयर्स देने चाहिए हर डिबेंचर में जब कन्वर्ट किया जाएगा तब। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो हमको मार्क कर लेनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमको टोटल 265 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, वो भी कैसे ध्यान दो, आपको टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद देखो कि आगे और कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ ठीक है, जो लोन है वो रीपेबल है एक साथ 8वें साल में, और डिबेंचर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपेबल है 6 साल में। उसके बाद डिविडेंड पे आउट जो होगा वो 12.5% होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके उसके बाद जो बचता है 87.5% वो रिटेन कर लिया जाएगा। टैक्स रेट आपको ध्यान में रखना है 35%। उसके बाद बुक वैल्यू जो इंक्रीज़ होगी वो बोल रहा है 20% से इंक्रीज़ होगी, चलो ठीक है देखेंगे, यही तो हमको निकालना है। और ये 18 शेयर्स की डिमांड जो है इंस्टेड ऑफ 10, क्या ये सही है, हमको ये बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो एक कंपनी है डिस्टेस लिमिटेड, ठीक है, उसका एक कंप्यूटर डिवीजन है, ये डिवीजन वो सेल करने का सोच रही है। डिस्टेस लिमिटेड कंपनी सोच रही है कि ये वाला डिवीजन हम बेच देते हैं। तो ये डिवीजन खरीदने के लिए उस खुद डिवीजन का जो मैनेजमेंट में बैठी है मिस्टर स्मिथ बैठा है, मिस्टर स्मिथ वो खरीदने के लिए तैयार है। मतलब मैं मैनेजमेंट में हूँ किसके, डिस्टेस लिमिटेड के कंप्यूटर वाले डिवीजन में, डिस्ट्रेस लिमिटेड के कंप्यूटर वाले डिवीजन में को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ। अब वो डिस्ट्रेस लिमिटेड उस डिवीजन को बेचना चाहती है, और तो इंस्टेड ऑफ मार्केट में बेचने के बजाय मैं खुद खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है इस डिवीजन को खरीदने के लिए, मैं मिस्टर स्मिथ, मुझे लगता है कि इस डिवीजन को खरीदने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, 265 करोड़ रुपए, 265 करोड़ रुपए लगेंगे इस डिवीजन को खरीदने के लिए, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
तो मुझे मिस्टर स्मिथ को बाहर से किसी और से फंडिंग करवानी पड़ेगी, और वो फंडिंग करने के लिए कौन तैयार है? वेंचर कैपिटलिस्ट, एक यूरोपियन वेंचर कैपिटलिस्ट है वेनकैप नाम से। तो मैं और वेनकैप, वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। मैं और वेनकैप दोनों मिलके इस डिवीजन में पैसा लगाएंगे और ये डिवीजन, कंप्यूटर डिवीजन खरीद लेंगे। किस फॉर्मेट में पैसा लगना है, किस पैटर्न में पैसा लगना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी टेबल में दिया हुआ है। तो मैनेजमेंट कितना लगा रही है? 60 करोड़ लगा रही है, टेबल में फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 60 करोड़, और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कितना लगा रही है? वो लगा रही है इक्विटी शेयर में 22.50, और डिबेंचर्स में भी 22.50 करोड़, और लोन देगी 160 लाख, 160 करोड़ का। सो टोटल मिला के 265 करोड़ रुपए मैं और वो वेनकैप दोनों मिला के लगा रहे हैं इसमें। ध्यान दीजिए, मैंने डाले 60 करोड़, वेंचर कैपिटल ने 3 तरीके से इसमें पैसे डाले। इस डिवीजन में 60 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे मिस्टर स्मिथ के, 22.50 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट के, उसके बाद 22.50 करोड़ के डिबेंचर भी दिए वेनकैप को, और 160 लाख का लोन लिया है वेनकैप से। सो बेसिकली ऐसे करके 265 करोड़ रुपए जमा हुए और डिस्ट्रेस लिमिटेड को हमने दे दिया और ये डिवीजन खरीद लिया। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन देखो क्या क्या है। तीन चीजें दी ना वेनकैप ने, मेरा तो छोड़ो, मैंने तो 60 करोड़ लगाया है मिस्टर स्मिथ ने, ये वेनकैप ने तीन चीजें दी है, ठीक है। ये वेनकैप ने इक्विटी शेयर दिया 22.50 का, और जो सेकंड वाला आइटम है ना डिबेंचर 22.50 करोड़ का, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, इसमें वारंट अटैच्ड है। इसका मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद ये इक्विटी शेयर्स, सॉरी ये डिबेंचर्स में हर एक डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये वेनकैप के पास ऑलरेडी 22.5 करोड़ के तो इक्विटी शेयर्स है, और 22.5 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स को, सॉरी, और 22.5 करोड़ रुपए के डिबेंचर को इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट कर सकता है, हर डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर, ऐसा, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर की? 60 करोड़ बाय 10, 6 करोड़ मेरे पास है नंबर ऑफ शेयर्स, 10 रुपए फेस वैल्यू। मैंने 60 करोड़ लगाए इक्विटी शेयर में, तो मेरे पास नंबर कितने हैं? 6 करोड़। वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी 22.5 करोड़ लगाए, तो उसके पास 2.25 करोड़ शेयर्स है, और बाद में 22.5 करोड़ के शेयर्स 4 साल बाद वो कन्वर्ट डिबेंचर्स वो कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि जब आप कन्वर्ट करोगे तो हर डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। वेन कैप क्या बोलता है कि नहीं, मुझे हर डिबेंचर के बदले 18 इक्विटी शेयर चाहिए, 10 से काम नहीं होगा। 18 मतलब हर डिबेंचर के बदले आपको ज्यादा इक्विटी शेयर चाहिए, वेन कैप वाला ऐसा बोलता है। मैं 10 देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या झगड़ा किसका चल रहा है? ये पर्सनल डिवीजन, ये जो डिवीजन है कंप्यूटर का, इसमें हम दोनों का झगड़ा चल रहा है। मैं 10 देने के लिए तैयार हूँ, वो बोलता है कि 18 होना मेरे को। मैं 10 देने के लिए तैयार हूँ हर डिबेंचर के बदले, वो बोलता है मेरे को 18 चाहिए यार, एक डिबेंचर के बदले 18 इक्विटी शेयर्स। ऊपर से जब मैंने उसको बोला कि भाई पैसा लगा कंपनी में, अपन डिवीजन खरीदते हैं, ये मैंने उसको बोला कि हर साल जो कैपिटल है ना अपना 20% से ग्रो करेगा, शेयर कैपिटल 20% से ग्रो करेगा पूरा, इक्विटी का कैपिटल जो है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार, ये 20% तो शायद नहीं ग्रो करेगा। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ दो चीजें पूछ रहा है कि प्रूव करो, पहली बात कि इक्विटी शेयर कैपिटल 4 साल तक हर साल 20% से ग्रो हो रहा है, हर साल 20% से ग्रो हो रहा है, इसका मतलब 4ों साल में पर एनम ग्रोथ 20% है। हो सकता है किसी साल 10% हो, अगले साल 30% हो, तो ऐसे करके कंपेंसेट हो गया, लेकिन 4 साल में 20% पर एनम की ग्रोथ बताना है इक्विटी शेयर कैपिटल में, जिसमें आता है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरी चीज जो आपको बतानी है वो कि ये जो झगड़ा चल रहा है ना कि मैं 10 शेयर दूंगा हर डिबेंचर के बदले, वो बोलता नहीं मैं 18 शेयर लूंगा, मैं बोलता हूँ 10 शेयर, तो आपको बताना है, आपको आपको सजेस्ट करना है मिस्टर स्मिथ को कि क्या मिस्टर स्मिथ ने 10 के बदले 18 का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट थिंग कि क्या 4 साल में कैपिटल 20% पर एनम के हिसाब से ग्रो होता है। पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैं 4 साल ले लेता हूं, 2013, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17, 13, 14, 14, 15,
15 16 16 17 ईबीआईटी दिया हुआ है, सब कुछ रुपीज इन करोड़ से, ध्यान में रखिएगा। 48 57 68 और 82, 48 57 68 और 82, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट। अच्छा अभी इंटरेस्ट किस पे देना है हमको? इंटरेस्ट दो चीजों पे देना है, डिबेंचर्स पे भी देना है 9% का और लोन पे भी देना है 8% का। इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा अब जो आपको डिटेल दी है वो देखना, लोन इज रीपेबल इन वन गो, एक साथ लोन का पेमेंट करना है, कब? 8वें साल में। यानी आप बीच में कोई भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या? हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहनी है, क्योंकि हर साल आपने पूरा पैसा यूज किया है। तो 160 पे 8% होता है 12.8 हर साल, और आने वाले अगले और 4 साल में आप 12.8 का ही पेमेंट करोगे। तो मैं अगले आने वाले 4 साल क्यों नहीं ले रहा हूं? अरे हमको पूरे 8 साल का बताने की जरूरत नहीं, हमको पर्पस क्या है? पर्पस 4 साल में इक्विटी कैपिटल 20% से ग्रो होता क्या, यही बताना है। इसलिए 4 साल तक क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया है। अच्छा उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डेट, ये जो डेट का पेमेंट है ये आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना? तो अब आपको पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यहां ले लेते हैं 1, एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैसे निकालते हैं? इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू बोरोइंग की अमाउंट कितनी है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। क्या रेट है हमारा? 9% ना, 9% का हमको डिवेंचर है और 22.5, 9%। कितने साल में रीपे करना है हमको लोन? 6 साल में। तो बोरोइंग की अमाउंट है आपकी 22.5 करोड़ रुपए, और 9% से 6 साल का फैक्टर 4.4859। फाइव पॉइंट जीरो वन फाइव, ये 5.0157 करोड़, ये इंस्टॉलमेंट आ गया। ठीक है वर्किंग नोट टू, रीपेमेंट शेड्यूल। अब ये कैसे बनेगा? पहला आ जाएगा ईयर, फिर हम ले लेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है उसके बाद हम ले लेंगे ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, उसके बाद हम ले लेंगे इंटरेस्ट कितना लगना है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट कितना होगा, ठीक है, और क्लोजिंग कितना आएगा। पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान रहे पांचवा और छठवा हमारे काम का नहीं है, आप निकालना चाहे निकालो, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 साल की ही फिगर आएगी। पर्पज ये नहीं है कि पूरे सारे सालों का कैलकुलेशन करके सब खत्म करके बताना है, नहीं, 4 साल में इक्विटी कैपिटल 20% से ग्रो होता क्या, पर्पज मत भूलो। ठीक है तो इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेगी हर साल, 5.0157, 5.0157, 5.0157। अच्छा ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 22.5 करोड़ रुपए। ठीक है अब उस पर इंटरेस्ट पहले साल का कितना लगेगा? 9%, तो 2.025 आएगा। आपने कितना पेमेंट करना चाहिए था पहले साल? 2.025, लेकिन आपने कितना पेमेंट किया? 5.0157। तो बैलेंस पेमेंट जो है वो किसका होगा? प्रिंसिपल का। तो 5.0157 माइनस 2.025 इज नथिंग बट 2.9907।
ठीक है, तो क्लोजिंग, अच्छा प्रिंसिपल का 2.9907 तो आपने पेमेंट कर दिया, ओपनिंग वैल्यू जो है ये 22.50, ये भी तो प्रिंसिपल है ना, लेकिन इस प्रिंसिपल में से पहले साल 2.9907 का पेमेंट हो चुका है, तो अगले साल बैलेंस कितना बचा यूज करने के लिए, सिर्फ 19.5093। ये इधर ओपनिंग आ जाएगा 19.5093, अब इस पे 9% लगेगा, 1.77, सॉरी 7558, 7558, ठीक है। फिर से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे, 5.0157 में से 1.7558 इंटरेस्ट है सिर्फ, ध्यान देंगे, वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव एट, 3.2599 आपका प्रिंसिपल का रीपेमेंट हुआ है, तो वो ओपनिंग में से माइनस कर देंगे, तो बचेगा 16.2494, 16.2494, ठीक है। इस पे अब 9% लगेगा, 1.4624, जो प्रिंसिपल में से एडजस्ट हो जाएगा, 3.5533। अब ये वापस ओपनिंग में से एडजस्ट होगा, 12.6961, ये 12.6961 यहाँ आ गया, इस पे 9% लगेगा, 1.1427, तो अच्छा क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ बोला है क्या कि इतने तक राउंड ऑफ कर दो उतने तक राउंड ऑफ कर दो, कुछ भी नहीं है, तो हम 4 डिजिट ले लेते, 3.8730, सो 8.8231। आगे भी पांचवा छठवें साल में ये आगे बढ़ेगा और फिर क्लोजिंग जीरो आएगा, ठीक है। मैं पांचवा और छठवा कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो अब जो हमको जरूरत थी वो है इंटरेस्ट वाली फिगर की, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.025, उसके बाद 1.7558, 1.4624 और 1.1427 माइनस कर लेते हैं, थ्री 33.175, 57 माइनस 1.7558, 42.4442, फिफ्टी थ्री पॉइंट 7376, 68.0573, ठीक है। अब इस पे लगेगा टैक्स, एट द रेट ऑफ, टैक्स का रेट क्या है, 35% टैक्स का रेट आ रहा होगा आपका, तो 35% लगाते हैं इस पे, 33.1750 इंटू 0.35, दैट्स 11.6113, फोर्टीन पॉइंट 8555, 18.8082, 23.8200, 23.8201 ले लो,
ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। दैट्स 21.5638 27.5887 of 3 34.9294 it's 44.2372 इसमें से आप क्या करते हो, डिविडेंड पे करते हो। क्या रेट पे डिविडेंड पे करना है? मैक्सिमम डिविडेंड क्वेश्चन में लिखा है कि आप जो डिविडेंड पे करोगे वो 12.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेके देखते हैं 12.5%। ठीक है, 5637 2.6955 3.4486 4.3662 5.5297 अब ये क्या आएगा? बैलेंस कहाँ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, 21.5637 पॉइंट 18.8682 24.1401 ठीक है, 30.5632 38.707 38.7075 ठीक है। ये क्या होगा? प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड, प्रॉफिट कैरीड सॉरी ब्रॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ तो कुछ नहीं। ये जो 18.8682 का बैलेंस शीट में क्या होता है पता है? जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होते जाता है और अगले साल बढ़ते जाता है। तो ये जो फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट आया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो या प्रॉफिट आया है, उसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर जो टोटल आएगा उसको अगर आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, और ये कहानी चलती जाएगी। तो ये ले लेता हूँ मैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है ये? कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो 18.8682 यहाँ आया, तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आ जाएगा, 18.8682। अब इन दोनों की टोटल देखो क्या होती है। फोर्टी थ्री पॉइंट डबल जीरो एट थ्री ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। सेवेंटी थ्री पॉइंट 5715 ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। हंड्रेड एंड 12.2790 ये सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस है। इसमें पेड अप कैपिटल हम ऐड करते हैं। अगर आप देखोगे तो पेड अप कैपिटल आपको 60 करोड़ का स्मिथ का इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा, और 22.50 करोड़ का आपको कौन है वो दूसरी पार्टी वेन कैप का इक्विटी कैपिटल मिलेगा। इन दोनों का कैपिटल इसमें ऐड होगा, दैट इज दैट कम्स टू 82.5। वो तो हमेशा सेम ही है 4 साल तक, क्योंकि उसके बाद डिबेंचर्स के वो कन्वर्ट किया जाएगा, तब तक तो 82.5 ही है। अब टोटल देखो, टोटल कैपिटल
ठीक है, 18.8682 प्लस 82.50, दैट्स 101.3682, 43.0083, दैट्स 125.5083, 73.5715, 156.0715, 112.2790, 194.7790, अब ध्यान दो जो आपके लिए फिगर काम की है वो क्या, 0 पॉइंट पे कैपिटल कितना था, 82.50 करोड़। पहले साल के एंड में कैपिटल कितना था, 101, दूसरे साल के एंड में 125, तीसरे 156 और चौथे साल में 194। तो 0 से लेके चौथे साल में 82.50 करोड़ से लेके चौथे साल के एंडिंग तक 194 तक, क्या 20% से कैपिटल बढ़ा है, यही बताना था आपको। ये रहा कैपिटल आपको दिख रहा है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व्स एंड सरप्लस आखिरी में बैलेंस शीट में जाता है वो। अच्छा तो हम ग्रोथ निकालते हैं, तो हम कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब टू कैलकुलेट। मैं नीचे ले लेता हूँ, टू कैलकुलेट ग्रोथ। ध्यान दो, हम मैं कंपाउंडिंग अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ जो हम स्कूल टाइम पे भी करते थे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर एन, एन या टी आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अमाउंट कितनी हो चुकी है, 194.7790, कितना इन्वेस्ट किया था, 82.50, तो 1 प्लस r टू द पावर कितने साल में, 4। अब ये 82.50 को भी इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 2.3609 या 2.361 ले लो, टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/4 है, यानी क्या हुआ, डबल। आप स्क्वायर रूट का बटन 2 बार दबाओगे तो 1/4 उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, 1/4 स्क्वायर रूट का बटन। 1/2 रहता तो आप स्क्वायर रूट दबाते हो, 1/4 स्क्वायर रूट का बटन 2 बार दबाओ, आपको आंसर मिल जाएगा 2.361। 1, 2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस r इज इक्वल टू 1.2396, तो r इज इक्वल टू 23.96% पर एनम, ये रहा आपका फाइनल आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर जो हम बोल रहे थे तब से कि नहीं 23% से, सॉरी 20% से ज्यादा से इंक्रीज होगा। देखो हुआ, 20% से ज्यादा से इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमारा सक्सेसफुल हुआ कि 20% से ज्यादा से कैपिटल ग्रो होना चाहिए था और वो हुआ। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% पर ईयर। सो पहला कंक्लूजन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इक्विटी कैपिटल इज ग्रोइंग बाय मोर देन 20% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। तो ये तो सक्सेसफुल हो गया, अब हमको लास्ट वाला आइटम देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आपसे 2 चीजें पूछी थी कि क्या 20% से ज्यादा से ग्रो हो रहा है, हमने प्रूव करके बता दिया हाँ ग्रो हो रहा है। अब मैं लास्ट सेकंड आइटम जो हमारा झगड़ा चल रहा था स्मिथ का और उस पार्टी का वेन कैप का, कि यार नहीं 10 शेयर दूंगा, वो बोल रहा है 18 शेयर, तो आपने मुझे सजेस्ट करना है कि क्या मैंने उसका 18 का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स स्मिथ के पास कितने हैं, 60/10, दैट इज 6 करोड़। उसके बाद वेनकैप के पास 22.50,
बाय 10 यानी 2.50 करोड़। और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर फॉर 18 शेयर्स अगर कर लेते हैं, अगर 18 का ऑफर एक्सेप्ट किया तो क्या होता है, ध्यान दो, 22.5 करोड़ के डिबेंचर थे ये, 22.5 अलग है ठीक है, वो हर एक डिबेंचर था 100 का ठीक है। तो अब आपके कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए इंटू 18, तो कितने शेयर जाएंगे आप देखो, फोर पॉइंट जीरो फाइव। सो वेन कैप की टोटल कितनी आती है, 6.55, दिख रहे हैं। आप ध्यान दो, अगर 18 शेयर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी होल्डिंग कम हो जाएगी 50% से, मेजॉरिटी ऑफ दी होल्डिंग वेन कैप के पास चली जाएगी पूरी कंपनी की, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं मेरी ही कंपनी पे कंट्रोल लूज करूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 करोड़ है और उसके पास 6.55 करोड़ हो जाएंगे अगर मैंने 18 शेयर दिए तो। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट सजेस्टेड टू एक्सेप्ट दी ऑफर ऑफ वेन कैप। लेट्स राइट डाउन, उन्हीं की टर्म में लिखते हैं, वेदर यू वुड सजेस्ट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ वेन कैप। मिस्टर स्मिथ इज नॉट एडवाइज टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ वेन कैप फॉर 18 शेयर्स अगेंस्ट 1 डिबेंचर एज दिस विल रिजल्ट इन टू मिस्टर स्मिथ लूजिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी। आया आपको समझ में? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। दो पार्ट थे सिर्फ, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन, ये सेकंड वाला कंक्लूजन जो आपको इस पर्टिकुलर कलर ऑफ पेन में दिया, वर्किंग सारी आपको ये ऑरेंज वाली और ये ब्लू में दिया हुआ है। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है थोड़े बहुत डाउट्स आए, तो बस फील फ्री टू आस्क मी ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।